हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लूँगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें अर्टिगा और बोलेरो दिखाने वाला हूँ स्पेशली आपको। फिलहाल मैं लालाजी कार बाज़ार पे, इससे पहले का जो हमारा वीडियो था वो भी यहीं से था, जिसमें हमने ढेर सारी ओमनी वेन दिखाई थी आपको। बट इस वीडियो में आपको ये बोलेरो वगैरह मिलेगी, मतलब थोड़ा 4-5 लाख के ऊपर जाने वाला है बजट आपका, ये समझ लो। अर्टिगा क्या मॉडल होगी वो तो अर्टिगा की भाई इतनी डिमांड है बोलेरो अर्टिगा की, इसलिए मैं ये दोनों को स्पेशली इस वीडियो में ले रहा हूँ। और लालाजी कार बाज़ार जो कि नौलखा पे है, उसके लिए आपको संपर्क करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स वगैरह सब कुछ दी हुई रहेगी। मुझसे बात करनी है, कुछ पूछना वगैरह। वैसे कार वगैरह मैं बेचता नहीं हूँ, ना ही शामिल होता हूँ इसमें, मैं सिर्फ प्रमोट करता हूँ। जैसे इनके पास जो गाड़ियाँ रखी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ डायरेक्टली, आप इनसे संपर्क करके खरीद लें। इंस्टाग्राम में मैसेज करेंगे खरीदने के लिए, तो मैं बेचता नहीं हूँ। बट आप और कुछ डिटेल जाननी है तो आप। एक और व्यक्ति मिल गए हैं हमें, क्या नाम है? विक्रम। और चिंटू सेन कहाँ से आए हो? ब्यावरा राजगढ़, जो आपको पता ही होगा, यहाँ से आए हैं। वीडियो देख के अभी मुझे बोलने लग गए, तो मैंने चलो ले लेते हैं। अगले वीडियो में आप आएंगे देखना। चलिए शुरू करते हैं MP11 की एक बोलेरो से। आप देख सकते हैं रूफ रेल्स वगैरह कंप्लीट व्हाइट कलर की लगी है, तो जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। एम हॉक वाला जो इंजन है इस पे देखने को मिलेगा। बोलेरो पावर प्लस SLX वाला जो वेरिएंट आता है ये वाला है, और काफ़ी लग्जरी गाड़ी दिख रही है। मतलब आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि हाँ भैया कुछ, या मतलब जो भी है इसका लुक बहुत प्यारा है। मतलब आप जब भी इसको यूज़ करेंगे आपको समझ में आएगा। चलिए इंटीरियर से दिखाता हूँ मैं आपको। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी फ्रेश सी गाड़ी रखी हुई है, मैट वगैरह नीचे डला है, तो जो कि आपको समझ में आ ही रहा है। खैर, और चलिए हम आगे साइड से भी आपको दिखा दिया, पीछे साइड भी देख सकते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरी गाड़ी है और आप ले सकते हैं। खैर चलिए हम डिटेल में बात करेंगे इसकी, और मैं जानूँगा लाला जी से कि लाला जी बताएँ आप ज़रा। 2018 मॉडल की गाड़ी है, SLX है, D70 इंजन है, पावर प्लस गाड़ी है, बिल्कुल फर्स्ट ओनर गाड़ी है। 4 ही टायर एकदम न्यू कंडीशन के, G9 चली हुई है गाड़ी। और इसकी डिमांड की बात करें तो 7,90,000 रुपये बोल रहे हैं अपन। 7,90,000 इस गाड़ी की डिमांड है। 2018 है, मात्र 2-3 साल पुरानी है। उसमें भी अभी देखना पड़ेगा कि मतलब हो सकता है 2 साल के अंदर, 2 साल में ही हो, 3 साल कंप्लीट ना हुए हैं। बट बाकी गाड़ी के कंडीशन अगर देखने को कहें तो हमारे पास अगेन MP11 की, मतलब दो गाड़ियां देखने को मिल रही है, दोनों MP11 की हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कंप्लीट इस गाड़ी का लुक। खैर ग्रिल्स वगैरह बहुत प्यारी लग रही हैं। टायर्स की बात करें तो आपको देखने को समझ में आ रहा होगा कि कितना प्यारा सा टायर है। और अंदर चले, रूफ रेल्स वगैरह कंप्लीट सेम है जैसा हमने इससे पहले दिखाया था आपको, ये कंप्लीट इस साइड से भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा फ़ोन होल्डर वगैरह दिए हुए हैं, अलग अलग टाइप से बटन वगैरह हैं। अंदर चलते जाते हैं तो ये महिंद्रा का लोगो हो गया, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर और जो होती हैं जनरली आपको पता ही होगा। ये सीट काफ़ी पीछे कर रखी है, लेग स्पेस तो ऐसा लग रहा है भाई कि किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं, मतलब ट्रेन का कॉकपिट देखने को मिलेगा आपको। क्या कॉकपिट तो होता नहीं ट्रेन में वैसे, तो क्या ही बोल रहा हूँ मैं। बट ये गाड़ी की सीट्स बहुत प्यारी है। खैर ये सीट्स मुझे लगता है कंपनी की जो है, ऑलरेडी जो कंपनी से आती हैं वही वाली हैं, तो इस तरह की देखने को मिलेगी आपको। बैक साइड में तो आप लुक देख ही रहे हैं, ये है कंप्लीट बैक साइड का लुक। और बैक साइड से पूरी प्योर दिखा दूं मैं आपको, तो इस तरह का एक स्पेयर व्हील मिलेगा आपको, और ये स्पॉइलर यहाँ पर है, यहाँ पर आपको रूफ रेल्स मिलेगा। चूँकि ड्राइवर साइड से हमने दिखाया, पैसेंजर साइड से भी दिखा देते हैं। एम हॉक का इंजन आता है इसमें, और ये बहुत प्यारी गाड़ी होती है। पावर प्लस SLX है, जो कि हमने इससे पहले भी दिखाया था, सेम वेरिएंट है। चलिए हम इसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे अब। तो अगर इसकी बात करें लाला जी, क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या मॉडल है, सब कुछ बताओ जरा एक बार डिटेल। 2018 की गाड़ी है, 2018 की है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ओके, पूरे साल का बीमा मिलेगा अपने को। 8,25,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं इस गाड़ी। 8,25,000 रुपये इसकी डिमांड की जा रही है, हो जाएगा इसके अंदर। क्या मॉडल बताया? 2018 का मॉडल, बिल्कुल। तो इसमें गुंजाइश है काफी सारी, और बाकी तो गाड़ी भाई देख ही रहे हो आप कितनी प्यारी है, ग्रीन मैट लगी हुई है, और बैक साइड की सीट वगैरह भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है आपको आर्म रेस्ट भी मिल जाता है, और उसको दोनों तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग चीजें, अलग अलग फीचर्स है, और सब कुछ आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैनिटी मिरर्स वगैरह है, ये देखिए आप देख सकते हैं वैनिटी मिरर्स वगैरह है, और इस साइड ड्राइवर साइड जो है ये सन प्रोटेक्टर है, ये इधर रहता नहीं है अक्सर गाड़ियों में। एसी वगैरह भी है कंप्लीट, एसी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो,
सब कुछ मिलेगा आपको, पावर विंडो मिलेगा आपको और सारा कुछ इसमें हिसाब किताब आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो चलो अब अगली गाड़ी दिखाते हैं हम आपको। इसी वीडियो में हम एक आपको अर्टिगा भी दिखाएंगे, अर्टिगा काफ़ी अच्छी है, अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए बैक साइड से भी बात कर लेते हैं। बैक साइड में देखें तो MP09 की रजिस्ट्रेशन है इसका, तो काफ़ी ओरिजिनल गाड़ी है। मतलब MP09 देखते हैं अगर तो ऑनर वगैरह सब आपको देखने को मिल जाता है बातचीत करने को। VDI वेरियंट है, SHVS जो वेरियंट आता है इसमें वो वाला। और इस साइड से अगर बात करें तो ये साइड प्रोफाइल, ड्राइवर साइड प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर रेड कलर की मार्किंग मिलती है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। और इसकी बात करें तो अंदर से आप देखो, मतलब कंप्लीट गाड़ी है, चाबी है, चाबी में कवर है, काफ़ी बढ़िया सुंदर था। और ये यहाँ पर सारी की सारी आपको पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, यहाँ पर आपको RVM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। खैर अर्टिगा तो आप लोगों ने देख ही रखी होगी। और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। किलोमीटर की बात करें तो हम किलोमीटर भी देख लेते हैं। चलिए 65,132 किलोमीटर चली हुई है और यहाँ पर एक अलग सा डिस्प्ले लगा हुआ है, हम जानेंगे कैसा ये डिस्प्ले, चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, रिवर्स कैमरा जो है मैं पीछे आपको दिखाया हूँ, पार्किंग सेंसर वगैरह सब कुछ है। और कैमरे की अगर बात करें तो कितना क्लियर कैमरा आप देख सकते हो भाई, मतलब अलग ही दिख रहा है सब कुछ, लाला जी हमारे नज़र आ रहे हैं। पावर विंडो वगैरह सब कुछ दी हुई है, ये साइड रिक्लाइन हो जाती है ये सीट, और बैक साइड में जाने का रास्ता भी यहाँ से आपको मिल जाता है। यहाँ पर आर्म रेस्ट भी है अगर दो लोग बैठे हैं तो, काफ़ी बढ़िया होने वाला। AC भर भर के दिया ही रहता है आपको पता ही है। फ्रंट से लुक की बात करें तो फ्रंट का लुक कुछ इस तरह का। अब चलिए हम बात करेंगे इस गाड़ी की डिटेल की, और डिटेल के लिए हम अंदर चल लेते हैं। चलिए जी बताइए इसकी क्या डिटेल है। वैसे 2016 मॉडल की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, VDI का टॉप वेरिएंट है। बिल्कुल, इसमें ब्लूटूथ स्टूडियो सिस्टम यानी कि ZDI वाला वर्जन सारा VDI के इसमें दे रखे हैं। है बिल्कुल बिल्कुल, VDI का ऑप्शनल मॉडल है ये। ओके, ये अपन कहीं पर भी 8,10,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं इस गाड़ी की। 8,10,000 रुपए 2016 की फर्स्ट ओनर, 16 की फर्स्ट ऑनर है। इसमें भी नेगोशिएबल है, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बता दिया है, तो गुंजाइश काफ़ी रहती है इसमें वैसे तो, लेकिन बताना पड़ता है शायद थोड़ा, डिमांड तो बताना पड़ेगा। हाँ डिमांड ऐसा हो गया, डिमांड ऐसा हो गया, मान लो मेरे पास गाड़ी है एक 2016 की, मुझे तो पता नहीं है कि हाँ एग्जैक्टली उसकी 2,00,000 वैल्यू है, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसकी 3-3.5 लाख मिले। अच्छा। है ना, मैं 3.5 लाख अगर मांगूंगा लेकिन मुझे पता है कि 2 तक में जाएगी। अब जैसे जिसको नॉलेज है वो तो इतने में लेगा, डिमांड तो बढ़ा के बिल्कुल, तो ये सीन होता है। फिलहाल एक डिज़ायर भी दिखा देते हैं। चलो हमने थोड़ा सा गाड़ियाँ अच्छी दिखाई आपको, तो ये डिज़ायर है, 2017 का मॉडल है हमारे पास। DDAS इंजन जो आता है सुजुकी का वो वाला है। और बैक साइड से अगर बात करें तो VDI वेरिएंट डीजल के साथ में आता है। चूँकि डीजल के साथ में बंद हो चुका है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपको कि ये वाली मिल जाए। डिक्की वगैरह काफ़ी बड़ी होती है वैसे तो इसकी बात करें तो, और खैर गाड़ी भी काफ़ी बढ़िया है, सुथरी सी है, ग्रे कलर की है, अलग ही लेवल का लग रही है। चलो हम इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं प्राइस वगैरह की। तो लाला जी बताइए इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं वैसे आप। 2017 की फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ठीक है, ये 7,00,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। 7,00,000 रुपए मांग रहे हैं, इस पर गुंजाइश है क्योंकि आपको अभी तुरंत आपको लगेगा, आप कमेंट करोगे कि भैया इससे अच्छी तो नई खरीद लें, लेकिन गाड़ी कहाँ मिल रही है, नई गाड़ी डीजल में 11,00,000 रुपए पे बंद हुई है डीजल। हाँ मतलब बंद हो चुकी है, अब ये डीजल आपको मिलेगी नहीं क्योंकि कंपनी के नॉर्म्स जो हैं, मतलब सरकार के नॉर्म्स जो हैं वो पूरे नहीं कर पा रही थी। अच्छा। तो शायद इस वजह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो गाड़ी देखो कितने खूबसूरत है गाड़ी, वो तो पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो सब कुछ कम्प्लीट आपको इसमें मिलने वाला है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात क्या, इसमें सिरामिक कोटिंग करा हुआ है गाड़ी के अंदर, देखा कितना मेटेलिक, ये देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलो एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह दिया हुआ है, मुझसे बात करनी है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, इंस्टाग्राम की आईडी, फेसबुक और ट्विटर का हैंडल है, तो इसके थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ। अपने होशो आवाज़ में सारी गाड़ियाँ लें, कभी भी लें, क्योंकि फिर बाद में किसी को भी दोषी नहीं कह सकते जब तक आप खुद ने उसमें चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। कल को आप किसी डीलर को कसूरबार ठहराएं या मुझे, तो उससे अच्छा है कि आप खुद सतर्क रहें।